नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्तर कुमारी। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। जीवन रक्षक एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर की जा रही है पदयात्रा। शनिवार यानी 3 जून 2021 को जीवन रक्षक स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस संघ उत्तर प्रदेश संगठन की पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। लगातार अपने कर्मचारियों की मांग को लेकर जीवन रक्षक संघ सरकार से मांग कर रही है। तेज धूप गर्म मौसम में यह संगठन का तीसरा दिन है, जो लगभग 60 किलोमीटर प्रयागराज से चलकर आज मणिकपुर कुंडा तक पहुंच चुकी है। यह संगठन एक दिन में 20 किलोमीटर तय करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवन रक्षक प्रदेश संगठन के द्वारा बताया गया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इन कर्मचारियों की एक ही मांग है, ठेका प्रथा से हटाकर NRHM में विलय किया जाए, जिससे इसका शोषण बंद हो और जिससे कि एम्बुलेंस कर्मी भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीवन यापन कर सके। ये बताइए, आप लोग पैदल पद यात्रा प्रयागराज से और कहां तक जाना चाहते हैं और आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांगे है एम्बुलेंस 1000 कर्मचारियों को नौकरी से सुरक्षित किया जाए और चिकित्सा हेल्थ केयर को जो सरकार ने टेंडर दिया है उन कर्मचारियों का क्या होगा। 8-9 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 12 से लगातार कंटिन्यू ड्यूटी करते चले आए हैं और हमारे कर्मचारी 40 साल के ऊपर ओवर एज हो गए हैं, उनको कहाँ जगह दी जाएगी और हमारा पैदल पद यात्रा चंद्रकांत आजाद। ये बताइए, अगर सरकार आपकी मांगों नहीं मानती या कंपनी आपकी मांग नहीं मानती है तो आप इसके लिए आगे क्या रणनीति बनाएंगे? अगर पैदल पद यात्रा अगर चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद से लखनऊ तक का अगर सरकार आवाज उठाई सकती है, हम लोग इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। एक सप्ताह बाद सीधा स्ट्राइक कर देंगे यूपी के 75 जिले। ये आपके जो जीवन रक्षक स्वास्थ्य विभाग 108 102 एलएस एम्बुलेंस कर्मचारी संघ है, इसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जीवन रक्षक के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अमित सोनी जी हैं। तो आप ये बताइए, ये संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सरकार से और जो कंपनी चला रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कर्मचारी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, एम्बुलेंस कर्मचारी को हर संबोधित करें और उनकी नौकरी को सुरक्षित करें, जिससे कि एम्बुलेंस कर्मचारी जो है बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन में है, इसलिए उनकी नौकरी को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करें और टाइम से उनको नौकरी मिल सके। ये बताइए, ये जो पदयात्रा है आपका पदयात्रा कहाँ तक जाएगा और कितने दिन में लखनऊ समाप्त होगा? ये प्रयागराज से चलकर लखनऊ 10 तारीख को पहुँचेगी, जिससे आज दूसरा दिन है पदयात्रा का और ये पदयात्रा सफल होगी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन पर बैठ जाएंगे। अगर जब तक ये watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.